Hello everyone, this is Shabnam Siddiqui and I welcome you all to Gate Academy YouTube channel. My dear chemical engineering students, आप सभी लोगों के लिए एक exciting announcement है. इस बार बारी है UPPSC की. उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, और इस बार केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ फायर ऑफिसर्स. ओके, तो आई थिंक ये अगर आप लोगों को गैजेटेड ऑफिसर रैंक की कोई जॉब चाहिए तो इसके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है. आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाइए UPPSC के लिए. ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. ओके, एंड यहाँ पर अगर बात करें कि एप्लीकेशन आपका कब स्टार्ट हो चुका है, तो ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो चुका है. एप्लीकेशन फॉर्म 13th August से रिलीज हो चुका है एंड इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 13th September, बट इसकी फीस सबमिशन की लास्ट डेट है 10th September. एंड फीस, इसका फीस स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को एग्जाम का बता देती हूँ. ठीक है, फी स्ट्रक्चर एग्जाम का इसका कुछ इस तरह से, सभी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं एंड ओबीसी कैंडिडेट्स, अदर बैकवर्ड कास्ट स्टूडेंट्स, तो उनके लिए एग्जामिनेशन फी है 200 रुपीज एंड प्लस 25 रुपीज आपका ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस होगी. तो टोटल 225 आपको ऑनलाइन मोड से पे करना होगा. ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा यहाँ पर. एंड अगर मैं बात करूँ स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब के स्टूडेंट्स, SC ST कैंडिडेट्स के लिए ये फीस एग्जामिनेशन फीस है 80 रुपीज एंड प्लस वही 25 रुपीज ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी. एंड हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं है, ओनली उनको ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी 25 रुपीज पे करना होगा. एंड एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स के लिए 80 रुपीज एग्जामिनेशन फीस है एंड उनका प्लस वही 25 रुपीज ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी. एंड अब बात कर लें अगर फ्रीडम फाइटर्स के जो डिपेंडेंट हैं फ्रीडम फाइटर्स कैंडिडेट्स पे, या फिर विमेंस की बात करें, तो उनके लिए वही फी एप्लीकेबल होगी उनकी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग. अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी पे आते हैं तो उनकी 200 फी होगी प्लस 25 उनकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी होगी, या फिर जिस भी कैटेगरी में आते हैं उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगी. यहाँ पर विमेंस के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि विमेन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है. अगर विमेन किसी हैंडीकैप कैटेगरी में आती हैं तो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, पर्टिकुलर कौन सी ब्रांच के लिए. हम थोड़ा सा अदर ब्रांच के लिए भी बात कर लेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ केमिकल ब्रांच की. ओके, तो केमिकल ब्रांच में मैंने इसे देखिए थोड़ा सा जूम इन कर रखा है. अगर मैं एक्चुअल साइज में इसे रख रही हूँ तो मुझे ही यहाँ पर ये विजिबल नहीं है, तो आई डोंट थिंक ये कैमरे में बहुत अच्छे तरीके से विजिबल होगा आप लोगों को. एंड डोंट वरी अबाउट दिस एडवर्टीजमेंट, मैं इस PDF का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर मैं आप लोगों को शेयर करा दूंगी, तो वहाँ से आप लोग ये कंप्लीट एडवर्टीजमेंट को वहाँ पर से फाइंड आउट कर सकते हैं एंड इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड ब्रांच सभी कुछ मेंशन कर रखा है. तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे कि यहाँ पर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड एग्रीकल्चर, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स पे इंडिविजुअल पोस्ट हैं. एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप ऐसा कुछ देख रहे हैं 36, 28, 21, 14, 4, 4 नियर अबाउट. ओके, बट अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर 14th नंबर पे आप आते हैं तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें, होम डिपार्टमेंट है इनका, जो पुलिस डिपार्टमेंट आता है उसमें वैकेंसी, यहाँ पर ये जो पोस्ट है ये पोस्ट है चीफ फायर ऑफिसर की. चीफ फायर ऑफिसर के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 13 वैकेंसीज, ओनली 13 वैकेंसीज. एंड यहाँ पर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फायर हाइड्रोलिक्स इन सब के लिए कंबाइंड है ये.
अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी चाहे तो इसके आप इंडिविजुअल ऑल्दो यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपनी स्पेसिफिक ब्रांच के लिए करेंगे अदर स्टूडेंट्स, बट आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर कंपटीशन भाई तगड़ा है, तो आपकी प्रिपरेशन भी ज़बरदस्त होनी चाहिए। ये 13 आप ये मान के चलिए कि ये 13th वैकेंसी सिर्फ केमिकल वालों के लिए नहीं है, ये मान के चलिए कि आपके लिए वहाँ पर कंपटीशन टफ होने वाला है, अदर ब्रांच के कैंडिडेट्स भी आपको साथ में मिलने वाले हैं फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट, ओके। एंड इसके अलावा केमिकल इंजीनियर्स के लिए कोई अलग से नहीं कोई भी पोस्ट दी गई है, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं कि केमिकल कैसा होने वाला है, एग्जामिन का पैटर्न, एग्जामिनेशन पेपर कैसा होने वाला है, क्या उसका सिलेबस होने वाला है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल की। स्पेशली मैं केमिकल की बात करूँगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं, है ना, सिलेबस की बहुत डिटेल में। देखिए मैं एग्ज़ाम की बात बता दूं तो एग्ज़ाम आपका क्वेश्चन पेपर आपके दो होंगे, दोनों कैसे होंगे आपके 2.5 आवर्स के होंगे दोनों एग्जामिनेशन पेपर, आपका दोनों पेपर ढाई ढाई घंटे के होंगे, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट पेपर होगा उसका सेक्शन ए जो आएगा, सेक्शन ए में आपका आएगा जनरल हिंदी, हिंदी है आपका UPPSC का है तो आपको हिंदी की अवेयरनेस तो होनी चाहिए, तो आपको वहाँ पर हिंदी आएगा, जनरल हिंदी के 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड ईच क्वेश्चन विल हैव 3 मार्क्स, ओके। 3 मार्क का आपका क्वेश्चन होगा, मींस कि टोटल 75 मार्क्स की आपको जनरल हिंदी देखने को वहां पर मिलेगी एंड उसके बाद 100 क्वेश्चन आपको आपके कोर केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से देखने को मिलेंगे। तो वहां पर 100 क्वेश्चंस वो देखने को मिलेंगे, 375 का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर होगा, सेकेंड क्वेश्चन पेपर जो होगा वो भी ढाई घंटे का होगा, उस ढाई घंटे में आपके 25 क्वेश्चन जो होंगे सेक्शन ए के वो होंगे जनरल अवेयरनेस के होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 3 मार्क्स वेटेज, ओके। तो 75 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस आने वाला है एंड जो उसका पार्ट सेकेंड होगा, सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट बी होगा क्वेश्चन पेपर का, उसमें फिर से आपका कोर केमिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स आएंगे, जो हम लोग गेट में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जो हम लोग अपनी केमिकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वही सब सब्जेक्ट्स हैं, बट उन्होंने दो पूरे सिलेबस को दो अलग अलग पेपर्स में डिवाइड कर रखा है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को पेपर वन में रखा है एंड कुछ सब्जेक्ट्स को उन्होंने पेपर टू में रख दिया है, ओके। तो इस तरह से हमारा पेपर टू जो होगा, पेपर टू का भी वेटेज टोटल 375 होगा, 750 हो गया आपका एंड ए आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू का वेटेज होगा, तो इस तरह से आपका 850 का आपका क्वेश्चन पेपर पूरा आपका ये प्रोसेस चलेगा, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पर सिलेबस की चलो बात कर लेते हैं, ये तो रहा हमें जिससे मतलब है, बाकी आप लोग इन डिटेल कि कैसे फॉर्म भरना है क्या करना है आई डोंट थिंक वो मुझे बताने की आप लोगों को ज़रूरत है, यू आर प्रोफेशनल ग्रेजुएट, आप लोग बहुत सारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल कर चुके हैं, आपको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो इस ये जो आपका एडवर्टीजमेंट है इसमें सब कुछ बता दिया है कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। अब जो जरूरी बातें हैं कि आपको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, ठीक है, वो मैं बता दे रही हूँ, जनरल इंस्ट्रक्शन मतलब सिलेबस की बात हम लोग कर लेते हैं, वो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, ओके। तो वहां पर चलो हम लोग बात कर लेते हैं, वेट यहाँ पर हमें काफी ये कुछ इन्होंने प्रोफॉर्मा ये दे रखे हैं कि आपके मतलब इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं तो आपके पास सभी वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एंड अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को अप्लाई कर रहे हैं, कैटेगरी के लिए क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास प्रोफॉर्मा वैलिड प्रोफॉर्मा के अकॉर्डिंग आपका वो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, है ना, इन्होंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। चलो अब हम लोग एक बार वन बाय वन सिलेबस की बात कर लेते हैं, वेट जस्ट अ मिनट, हमें थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पर अदर ब्रांचेस का दे रखा है, हम लोग अब बात करेंगे वहाँ पर जहाँ पर केमिकल की बात आएगी, ये इन्होंने अदर ब्रांच का दे रखा है, ये देखिए मैकेनिकल के लिए है, ठीक है। तो अब हम वो आते हैं, हम अपनी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आते हैं जो हमें पढ़ना है,
वेट जस्ट अ मिनट। ओके, ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने दे रखा है। एंड 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 यहाँ पर ये देखिए केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए ये बोल रहे हैं कि जो पार्ट पेपर वन का पार्ट ए होगा, पेपर वन का पार्ट ए मतलब पार्ट ए पार्ट बी में इन्होंने कर दिया, बाकी सेक्शन ए जो होगा उसमें जनरल हिंदी आपको देखने को मिलेगा मिलेगा। फिर पार्ट ए जो कोर केमिकल इंजीनियरिंग का है उसमें पार्ट ए में ये बोल रहे हैं कि मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस, ये एग्जैक्टली आपका कौन सा सब्जेक्ट है, पीसी है, प्रोसेस कैलकुलेशन, मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस के नाम से भी हम उसे जानते हैं। और उन्होंने यहाँ पर टॉपिक भी स्पेसिफाई कर रखे हैं कि क्या क्या उसमें पढ़ना होगा, इंजीनियरिंग डायमेंशंस एंड यूनिट्स, गैस लॉज एंड वेपर प्रेशर, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, मटेरियल बैलेंस एंड ऑल। ठीक है, मतलब आपको पीसी पढ़ना है, पीसी पढ़ना है, प्रोसेस कैलकुलेशन पढ़ना है, और प्रोसेस कैलकुलेशन में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये आप लोग अपने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में देख लीजिएगा। इसके बाद अब अगर और मैं बात करूं कि और कौन सा सब्जेक्ट हमें यहाँ पर पेपर वन में पार्ट ए में देखने को मिलेगा, तो ये बता क्या रहे हैं कि आपको ऑपरेशन इन्वॉल्विंग पर्टिकुलेट सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली और कुछ नहीं है, ये मैकेनिकल ऑपरेशन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये मैकेनिकल ऑपरेशंस एंड सॉलिड हैंडलिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैकेनिकल ऑपरेशंस एंड सॉलिड हैंडलिंग में आप क्या क्या पढ़ेंगे, जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो उतना पढ़ लीजिए, सब कुछ गेट के लिए जो पढ़ा है ना मोर देन सफिशियंट है, दैट वन इज मोर देन सफिशियंट। सब कुछ यहाँ पर बता रहे हैं, मिक्सिंग एंड एजिटेशन, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, सेटलिंग, सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स एंड क्लै, सब कुछ। ठीक है, साइज रिडक्शन भी इन्होंने सब कुछ बताया है। ये है क्या, ये MOSH है, मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग। एंड और कौन सा आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, आपको थर्मोडायनेमिक्स देखने को मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स में आप जैसा यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं, तो ये टॉपिक्स आपको यहाँ पर क्लासिकल थर्मो एंड साथ साथ आपको सॉल्यूशन थर्मो की भी नॉलेज रखनी होगी, क्योंकि ये बोल रहे हैं फिगेसिटी, एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन, एक्टिविटी कोएफिशिएंट, तो आपको सॉल्यूशन थर्मो की भी नॉलेज होनी चाहिए। आप यहाँ पर क्या करेंगे, टॉपिक वाइज देखकर कर लेंगे, बट आप मैं आप लोगों को पर्सनली यही सजेस्ट करूंगी कि आप इनके टॉपिक के अकॉर्डिंग तो पढ़ेंगे ही, बाकी आप लोगों ने गेट के लिए जितना भी पढ़ा है आप उतना न्यूमेरिकल नहीं, बट आप क्या करें, आप उसके कंसेप्ट्स पूरे के पूरे ब्रशअप करके जाइएगा, है ना। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स एंड उसके बाद ये फ्लूइड फ्लो ऑपरेशंस बता रहे हैं, दैट वन इज फ्लूइड मैकेनिक्स। यहाँ पर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड फ्लूइड मैकेनिक्स आप क्या करिएगा कि ये जितना जितना इन्होंने टॉपिक मेंशन कर रखे हैं वो तो लीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आपको दिख रहे होंगे और बाकी कुछ आपको ऐसे टॉपिक दिख रहे होंगे जो गेट में आपने पढ़े हैं लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप गेट का मैं बोल रही हूँ कि कंसेप्ट तो पूरा की पूरा ब्रशअप करके जाइएगा, है ना। उस पर आपका क्या रहेगा कि आप अपर हैंड आपका रहेगा, आपका एक अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा। दूसरी चीज और ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने देखिए कंप्रेशर पंप्स, फैंस एंड ब्लोअर्स, ये सब आपको मतलब कि आपको टर्बो मशीन्स पढ़ के जाना है। ओके, एंड हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, भाई हीट ट्रांसफर में इन्होंने कंडक्शन बता दिया, कन्वेक्शन बता दिया, रेडिएशन बता दिया। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सब आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पर मेनली इन्होंने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर का, जो तीनों मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है उनका डिस्कशन किया है, बट आप लोग क्या करिएगा कि ब्रशअप आप हीट एक्सचेंजर का भी कंसेप्ट करके जाइएगा, बॉइलिंग कंडेंसेशन इवेपोरेटर का भी कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि न्यूमेरिकल्स आप बहुत लंबे लंबे लगा के जाइएगा, है ना। चलो अब बात आती है कि क्वेश्चन नंबर जो पेपर वन था, पेपर वन के पार्ट बी में आपको क्या देखने को मिलेगा। पार्ट बी में आपको देखने को मिलेगा मास ट्रांसफर ऑपरेशन, ठीक है, एमटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इन्होंने इसको मास ट्रांसफर, ये बेसिकली मास ट्रांसफर ऑपरेशन ही है, इन्होंने यहाँ पर गैस लिक्विड एंड वेपर, लिक्विड लिक्विड एंड सॉलिड लिक्विड सेपरेशन, सब कुछ अलग अलग दे रखा है। ये कुल मिला के सॉलिड लिक्विड सेपरेशन की अगर ये बात कर रहे हैं तो सॉलिड लिक्विड सेपरेशन भी हम लोगों ने एमओ में पढ़ रखा है, है ना, कुछ भी अलग नहीं है। इन्होंने बस रैंडम सा सिलेबस आपको एक बार बता दिया है कि आपको ओवरऑल कि एचटी पढ़ना है, एमटी पढ़ना है, एफएम पढ़ना है, एमओ पढ़ना है और थर्मो भी पढ़ना है।
ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ तक आपका क्या है, ये सब कुछ आपका एमटी का है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सीआरई भी देखने को मिलेगा, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। ये फर्स्ट पेपर के पार्ट बी की बात कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ तक यहाँ से खत्म होता है। ये इन्होंने थोड़ा सा ये भी बता दिया है कि आपको टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम एंड मैकेनिकल डैम्पर्स डिस्टिलेशन कॉलम कंट्रोल, मींस कि ये अभी आपसे बात कर रहे हैं, ये आईपीसी की, प्रोसेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल की। ये सीआरई सीआरई इन्होंने मेंशन जरूर किया है एंड साथ साथ प्रोसेस कंट्रोल भी बता दिया है, मींस कि आपका यहाँ पर सीआरई एंड पीडीसी दोनों का ही ये कंबाइंड सिलेबस है। सीआरई पीडीसी सब पढ़ के जाइए, ठीक है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, गेट के लिए ब्रशअप करके जाइए एकदम बेहतरीन तरीके से। अब बात आती है कि केमिकल इंजीनियरिंग का पेपर सेकंड जो होगा, पेपर सेकंड के सेक्शन फर्स्ट में तो आपको सेक्शन जो फर्स्ट होगा उसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप लोगों के आसपास जितना भी भाई यार अभी करंट अफेयर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, लाइक आप रियल ओलंपिक्स अभी जो रिसेंटली 2020 हुए हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाकी और जो मतलब करंट अफेयर्स हैं या फिर जनरल नॉलेज जितनी इंसान को होनी चाहिए, हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, ये सब आपको बताना चाहिए। जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब यहाँ पर अब टेक्निकल में पार्ट ए में क्या देखने को मिलने वाला है, प्रोसेस इक्विपमेंट एंड प्लांट डिजाइन पीडीई को आपको देखने को मिलना है, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलने वाली है, वो आप पूरा पढ़ के जाइएगा। ओके, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारा देखिए बता भी दे रखा है, क्राउन एंड नकल रेडियस, स्टैटिक एंड डायनेमिक स्ट्रेसेस, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेसेस, जॉइंट एफिशिएंसी, ये सब हम पढ़ते हैं। ये क्या है, ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये प्लांट डिजाइन का पार्ट है, प्लांट डिजाइन का पार्ट है, वो आपको जरूर पढ़ना है, प्लांट डिजाइन आप छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स को इन्होंने नाम वो कर करके इन्होंने यहाँ पर प्लांट डिजाइन पे ज्यादा फोकस किया है एंड प्रोसेस इक्विपमेंट एंड प्लांट डिजाइन बताया है ना। तो हम लोग जनरली क्या क्या प्रोसेस वो हम लोग क्या इकोनॉमिक्स वाला पार्ट ज्यादा, इधर हम गेट में इकोनॉमिक्स वाले पार्ट को ज्यादा इम्फेसिस करते हैं कि उसमें ज्यादा क्वेश्चन आता है, बट यहाँ पर आपको डिजाइन मतलब डिजाइन मस्ट है पढ़ के जाना, बट आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ के ही चले जाइएगा। क्या है, सब कुछ पढ़ा है, बस आपको ब्रशअप करना है। एंड आपको क्या करना है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको भी साथ में पढ़ना है, ठीक है, आपको मटेरियल टेक्नोलॉजी की भी यहाँ पर एक आइडिया होना चाहिए। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कुछ। अब ये जो है टॉपिक, ये गेट से एक्स्ट्रा है, ये गेट से एक्स्ट्रा है, लाइक आपको बीएआरसी में भी आपको मटेरियल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर भी मटेरियल साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एनर्जी रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन की भी ये बातें कर रहे हैं, लाइक रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, क्लासिफिकेशन एंड कॉम्पोजिशन, फिजियो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनर्जी कंटेंट, ये सब की भी बात करें तो आपको क्या करना है, एनर्जी रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन भी पढ़ के जाना है। ये गेट से एक्स्ट्रा है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, ये गेट में नहीं है बट आपको इधर पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए फिर आपका और कौन सा है, फोर्थ सब्जेक्ट इन्होंने इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज बताया। अभी हमारा उधर गेट से क्या बच गया था, केमिकल टेक्नोलॉजी बच गया था, तो केमिकल टेक्नोलॉजी में लाइक हम लोग अब यहाँ पर इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज में ये बता रहे हैं कि वाटर ट्रीटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, सैचुरेटेड एंड सुपर हीटेड स्टीम, ये सब आपको इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज पढ़नी है, ये आपको कुछ एक्स्ट्रा है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सीमेंट, लाइम, क्लोर, एल्केली, ये सब तो हम ऑलरेडी वहाँ पर केमिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, बट यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी एक्सेप्ट गेट। ओके, गेट से कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा भी हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजर देखिए ऑलरेडी है, आप वहाँ भी हम फर्टिलाइजर गेट के लिए भी पढ़ते ही रहे हैं। अब यहाँ पर पार्ट बी ऑफ सेकेंड पेपर का पार्ट बी आपका कोर केमिकल इंजीनियरिंग का, यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज भी पढ़नी है। ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज में लाइक पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल पढ़ना है, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। साथ साथ कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स भी पढ़ने हैं आपको, ऑयल्स, सोप एंड डिटर्जेंट्स, फर्मेंटेशन, पेंट एंड वॉर्निशेस,
पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स भी, ये सब भी आपको पढ़ने हैं। मतलब कि ये क्या है कि जो हम लोग गेट केमिकल इंजीनियरिंग में जो हम लोग केमिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, क्या पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड साथ साथ हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स जो उधर पढ़ते हैं और प्लस कुछ पॉलीमर्स, तो ये सब का है, सब कुछ आपको पढ़ना है जो गेट में पढ़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा भी पढ़ना है बहुत सारी चीज़ें। और क्या पढ़ना है आपको? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल भी पढ़ना है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में आपको एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको इनिशियल आइडिया होना चाहिए, या आप देख लीजिएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है। ओके, एज पर द सिलेबस आपको पढ़नी है। बहुत ज़्यादा चीज़ें वास्ट नहीं पढ़नी है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही वास्ट हो गया ये सिलेबस, तो वास्ट तो होगा, बस नो डाउट वास्ट होगा। यूपी पीएससी हो या किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम का मतलब या फिर यूपीएससी का मतलब ही होता है वास्ट, है ना। तो आपको अगर गैजेटेड ऑफिसर की जॉब मिल रही है तो आपको कुछ तो बॉस करना पड़ेगा एफर्ट्स, है ना। ठीक है, अब और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? पॉल्यूशन आपको यहाँ पर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, पॉल्यूशन एंड साथ साथ आपको हजार्ड एंड रिस्क एनालिसिस एंड सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस एंड पर्सनल प्रोटेक्शन। ये क्या है कि ये थोड़ा सा आपका इंडस्ट्रियल पार्ट आ जाता है। ये क्या हो जाता है? ये इंडस्ट्रियल पार्ट आ जाता है कि आपको लाइक ये हजार्डस एंड सेफ्टी वाला है, आपको सेफ्टी वाला पार्ट पढ़ना है, है ना। तो अब ये तो चलो ठीक हो गया कि भाई पढ़ना हमें इतनी इतनी चीज़ें हैं। सो इट्स ऑल अबाउट योर सिलेबस। मैंने पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के बारे में बता दिया। ये फायर इंजीनियरिंग के लिए ये हमारे मतलब का नहीं है, है ना। तो हमारी केमिकल के लिए इतना मतलब का था कि गेट वाला तो सब कुछ पढ़ना है, बट बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी पढ़नी है। तो ये एक्स्ट्रा कंटेंट आप पढ़ेंगे कहाँ से, उसके लिए बहुत जल्दी मैं इंफॉर्मेशन लेकर आऊँगी। हम लोग बताएंगे कि आपको ये एक्स्ट्रा कंटेंट कहाँ से कवर करना है, कौन सी बुक प्रेफर करनी है, या फिर ये पर्टिकुलर पार्ट कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये एक जस्ट अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन था कि आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, बहुत ही लास्ट तक के लिए वेट नहीं करना है। जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाला है पार्ट, उसके लिए हम लोग बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे। ओके, सो गाइज, दिस वन मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस वन इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये मतलब रेयर है कि यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम में, मतलब यूपीपीएससी कोई एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, जिसमें आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ओके, सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। आप लोग बिल्कुल भी डिले मत करिएगा, फटाफट सब लोग एप्लीकेशन फिल कर लीजिए एंड बहुत जल्दी मिलते हैं दोबारा इस क्वेश्चन, इस एग्जाम के रिगार्डिंग हम लोग बातचीत करने के लिए कि हम लोगों को क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, क्या आपको कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर दिस एग्जाम। वी विल मीट सून, वेरी सून। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड